एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो आज देखेंगे हम इस वीडियो में। वैसे तो हमने केमिस्ट्री में ये सभी जो है टर्म्स प्लस वन प्लस टू में पढ़ी हुई हैं, बट मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज अब हमने क्या करना है, इसको अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ टर्म्स को रिलेट करना है कि ह्यूमन बॉडी के साथ ये कैसे रिलेटेबल है। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, एवोगैड्रोस नंबर और हाउ टू मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो सभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। ऑल केमिकल्स इन द बॉडी फॉल इन टू वन और टू मेजर क्लासेस। जितने भी केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसे दो से एक से दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक लाइक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए और इनऑर्गेनिक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कार्बन, यूजली कंटेन हाइड्रोजन। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके पास क्या होता है, कार्बन होता है और यूजली उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड होगा, ठीक है। अनदर पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंटली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स एंड मैनी आर लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सभी के पास क्या होगा, कोवलेंटली बाउंडेड मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होगा, इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लाइक CH जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। एंड आर मैनी लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये जो कंपाउंड्स हैं बहुत लार्ज होंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड ATP। जो हम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, CH बॉन्ड है इसके पास, लिपिड्स के पास भी CH बॉन्ड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड ATP, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल अदर केमिकल्स इन द बॉडी आर कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो बाकी जो सभी केमिकल्स रह गए हमारी ह्यूमन बॉडी में उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दे आर यूजली लैक कार्बन एंड स्ट्रक्चरली सिंपल। तो इनके पास क्या होता है, लैक कार्बन होता है, कार्बन हमारे इनके पास नहीं होता कंपाउंड्स के पास, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत सिंपल होती है। दीज इंक्लूड वाटर, लाइक ओनली वाटर H2O है, तो इसके पास कार्बन है नहीं। सॉल्ट्स हो गए NaCl, ये भी तो एक सॉल्ट है, इसके पास कार्बन है नहीं, ठीक है। एंड एसिड एंड बेस, कुछ एसिड हो गए लाइक HCl, इसके पास कार्बन है नहीं। तो कुछ बेस हो गए, NaOH हो गया, इसके पास कार्बन है नहीं। दीज कंपाउंड्स में हैव आइदर आइनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो इनके पास आइनिक बॉन्ड भी हो सकता है लाइक NaCl, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है लाइक H2O, ठीक है। दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इक्वली इसेंशियल फॉर लाइफ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसके पास कार्बन बॉन्ड हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन बॉन्ड ना हो, तो दोनों ही इक्वली हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ लिविंग मैटर। नेक्स्ट हमारा जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर सेकेंड फर्स्ट ईयर का, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर है BSc का, उसमें हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशंस पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं लिविंग मैटर की रिलेटेड। देन इन्होंने फुली एक्सप्लेन किया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी डिटेल नहीं है। वैसे तो डिटेल है पूरी, बट इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सिंपल होता है, दैट इज़ वाई उन्होंने पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया है।
उसके बाद इन्होंने यहाँ पर किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट, जिसमें हमने पूरी स्ट्रक्चर देखनी है, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर होती है मोनोसेक्राइड, उसके बाद डाइसेक्राइड्स में क्या क्या चेंजेस आती है वो सभी देखनी है हमने, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स कैसे बनते हैं ये सभी स्ट्रक्चर्स को हमने अच्छे से देखना है, लिपिड्स, ग्लूकोज, ये सभी अच्छे से हमने देखने हैं, इसीलिए इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा बाद में रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सभी ही देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है वाटर। वाटर को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, H2O। इसमें हमें कार्बन जो दिख रहा है यहाँ पर, कार्बन है नहीं, कोई भी कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर क्या है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट मीनिंग क्या है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, अमाउंट इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, एंड इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लिविंग मटीरियल में, लिविंग बॉडी के लिए। वाटर मेक्स अप 45-75% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारा टोटल बॉडी वेट होता है उसका 75% हिस्सा तो वाटर ही होता है। जेंडर पे डिपेंड करता है, मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, बच्चा है, एडल्ट है, ओल्ड है, बॉडी एज क्या है, साइज़ क्या है बॉडी का, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट कितनी है, उस पे डिपेंड करता है वाटर का जो है कॉम्पोजिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वाटर क्या क्या शो कर सकता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अमंग द प्रॉपर्टीज़ दैट मेक वाटर वाइटल, तो हम प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि वाटर को वाइटल बनाती है, वाइटल माने तो इम्पॉर्टेंट बनाती है, डोमिनेंट बनाती है। ठीक है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी, देन थर्मल स्टेबिलिटी, देन केमिकल रिएक्टिविटी, देन कोहेसन, देन एडहेसन। ठीक है, पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर केमिकल। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि वाटर के पास क्या है, एबिलिटी है डिसॉल्व करने की अदर केमिकल्स में, दूसरे केमिकल में डिसॉल्व होने की वाटर के साथ के पास अच्छी एबिलिटी है, ये बिल्कुल फटाफट एंड क्विकली डिसॉल्व हो जाता है दूसरे किसी भी केमिकल में, HCl हो गया, कोई भी और केमिकल ले लो। ठीक है, वाटर इज ऑफन कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वाटर को ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट डिसॉल्व्ड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, क्योंकि ये क्या करता है, ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं, NaCl होगी, ठीक है, शुगर होगी, ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं, सॉल्ट होगी, शुगर होगी, उनको ये डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, अदर लिक्विड लाइक ऑयल, ऑयल देखो, ऑयल ज़्यादातर नहीं कर पाता डिसॉल्व, सॉल्ट को भी ज़्यादातर नहीं डिसॉल्व कर पाता, और शुगर को भी जल्दी नहीं डिसॉल्व कर पाता, बट वाटर क्विकली डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी। सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर सच एज शुगर, कौन कौन से सब्सटेंस हैं, कौन कौन सी थिंग्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, शुगर, आप एक कप ले लीजिए, उसमें पानी डालें, बाद में उसमें चीनी डालें, चीनी जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो है वाटर, हाइड्रो का मीनिंग क्या है, वाटर, एंड फिलिक का मीनिंग है लविंग, तो वाटर लविंग है ना चीनी, तो इसीलिए वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। द रिलेटिवली फ्यू सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर सच एज फैट्स, ऑयल एंड आर हाइड्रोफोबिक। अदर सब्सटेंस देख लो, जैसे कि फैट्स देख लीजिए, फैट्स में क्या आता है, ऑयल देख लीजिए, अगर आप पानी के ग्लास में ऑयल का चम्मच डालेंगे और ऑयल का चम्मच पूरा फिल करके डालेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा, ऐसे दो लेयर्स आपको दिखाई देंगी कप में, ग्लास में, किसी में भी। ठीक है, तो वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक माने तो वो थोड़ा वाटर हीटिंग है, वाटर से हीट करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। देन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली अनलेस दे आर इन सॉल्यूशन, एंड ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन वाटर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा जल्दी नहीं रिएक्ट करते केमिकली, क्योंकि दे आर इन अ सॉल्यूशन एंड ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी डिपेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर जो जितनी भी रिएक्शंस होती है ना बॉडी में, वो हमारी जो डिपेंड करती है कि वाटर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, वाटर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज कितनी का है, उस पर डिपेंड करती है, देन वो उसके साथ रिएक्ट करती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मस्ट बी डिसॉल्व इन वाटर टू मूव फ्रीली, कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट। बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं
वाटर में और मूव करते हैं फ्रीली। अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर जाएगा वाटर में, फ्रीली मूव करेगा एंड जब वो एक दूसरे के पास आए जाएंगे तो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। टू बी सल्यूट इन वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी चार्ज सो इट्स चार्ज कैन इंटरेक्ट दोज विद दोज ऑफ वाटर। जो सॉल्युबल है इन वाटर, टू बी सॉल्युबल, अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में सॉल्युबल होना है तो मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। मॉलिक्यूल के पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए ताकि जो अगर उसका जो चार्ज है वो इंटरेक्ट कर सके, बॉन्ड बना सके वाटर के साथ और अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए किसी भी सब्सटेंस के पास, जो भी उसमें सॉल्युबल होना चाहता है। सॉल्ट होना चाहता है तो उसके पास चार्ज चाहिए, चीनी होना चाहती है तो उसके पास चार्ज चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर, तो इनका क्या होता है, पोलर नेचर, वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट देमसेल्व्स विद द वेरी स्लाइटली नेगेटिव एंड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाइस वर्स फर्स्ट इंट्रैक्टिंग देम एंड देन सराउंडिंग देम। तो जो पोलर नेचर होता है इसका क्या होता है, वाटर का पोलर नेचर होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ओरिएंट देमसेल्व्स विद देयर स्लाइटली नेगेटिव एंड। तो वो क्या करता है, इनका जो नेगेटिव एंड है वो जो हमारे सॉल्यूट होते हैं लाइक NaCl हो गया, शुगर हो गया, ये सभी जो सॉल्यूट है जिसने उसमें घुलना है उसके पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ जाते हैं। लाइक ये सॉल्ट है, ठीक है, ये एस सॉल्ट है, ये वाटर है, तो ये है इसका वाटर का क्या है, नेगेटिव एंड है। सॉल्ट का इधर आया पॉजिटिव एंड, दो पार्टिकल है, ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे एंड सॉल्युबल हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एक्सप्लेन बाय आयनिक कंपाउंड एंड अदर स्मॉल रिएक्टिव मॉलिकल सच एज एसिड एंड बेस डिसोसिएटेड इन वाटर, देयर आयन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिकम इवनली स्कैटर्ड इन द वाटर फॉर्मिंग अ ट्रू सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो एक्सप्लेन करती है कि क्यों जो आयनिक कंपाउंड्स है एंड अदर लेस स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कोई भी एसिड ले लो और बेस ले लो, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। डिसोसिएट माने तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं जो वो क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे वाटर में, ठीक है, आयंस टूट जाएंगे। NaCl डाला, Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में टूट गया, दोनों क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, देयर आयन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके आयन क्या करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्ट डाला NaCl तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ठीक है, डिसोसिएट हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, बिकम इवनली स्कैटर्ड इन द वाटर एंड ऐसे टूट टूट के तो पूरे क्या हो गए, वाटर में स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, एंड ट्रू सॉल्यूशन बना लिया तो फुली सॉल्युबल हो गए। नाइन्थ पॉइंट, वाटर इज अ बॉडीज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज इट इज अ सच एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो जो हमारा वाटर है वो क्या है, बॉडी का प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो वाटर के दौरान ही होगी, प्राइमरी है, बेसिक है, पहले लेवल पे आता है जो वाटर है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, सभी कैरिड आउट होंगे थ्रू आउट द बॉडी आर डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, 91% तो वाटर ही तो होता है ब्लड प्लाज्मा में, तो उसमें डिसॉल्व होकर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मेनी मेटाबॉलिक वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन एंड अदर वाटरी फ्लूइड, बहुत ज़्यादा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, लाइक कोई भी वाटरी फ्लूइड हो गया उसकी फॉर्म में हमारे जो एक्सक्रीट हो जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। स्पेशलाइज मॉलिक्यूल दैट लुब्रिकेट द बॉडी, एग्जाम्पल म्यूकस, जो स्पेशलाइज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लुब्रिकेट करते हैं बॉडी को, लाइक म्यूकस हो गया, ऑल्सो यूज़ वाटर एज देयर डिजॉल्विंग मीडियम, तो वो क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं अपना डिजॉल्विंग मीडियम के लिए। देन हमारा आ जाता है रिएक्टिविटी, उसके बाद आता है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडहेशन एंड कोहेशन। तो रिएक्टिविटी में क्या है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ वाटर इज इट्स अबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी में क्या आता है, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वाटर, तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है ना वाटर की, उसके पास क्या होता है, एबिलिटी होती है पार्टिसिपेट करने की केमिकल रिएक्शन। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगी वाटर में कोई भी चीज़ है, ज़्यादा रिएक्शन करेगी, लेकिन NaCl हो गया तो जल्दी से रिएक्शन होगी और रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। वाटर इज इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में जो वाटर है वो एक रिएक्टेंट है, ठीक है,
एक सब्सटेंस है जो दूसरों के साथ रिएक्ट करता है इजीली। फॉर एग्जांपल फूड आर डाइजेस्टेड, एग्जांपल यहाँ पर फूड ने डाइजेस्ट होना है तो पहले ब्रोक करेगा। डाइजेस्ट क्या होता है, ब्रोकन डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टू देयर बिल्डिंग ब्लॉक बाय एडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। छोटे 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 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, एड वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जाके चिपक जाएंगे। टू ईच बॉन्ड टू बी ब्रोकन, और हर एक बॉन्ड को ब्रोक करेंगे। सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोर स्पेशली कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ऐसी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उसे हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, जो कि वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। लाइक कोई पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे ब्रेक होना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो कौन से विद द हेल्प ऑफ वाटर होगा, जो पार्टिकल बड़ा छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होए, डाइजेस्ट होए विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वेन लार्ज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल। कोई भी लार्ज कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सिंथेसाइज हो स्मॉलर मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बने, द वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। जिससे जैसे ये छोटे छोटे हैं और इसके साथ क्या है, वाटर जुड़ा हुआ है, इसके पास क्या है, वाटर है, और इसने क्या करना है, कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना है। तो वाटर को कर देंगे रिमूव, आपस में ये सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी बॉन्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। जिसमें क्या हो, डिहाइड्रेशन हो, वाटर रिमूव हो, जिसमें वाटर रिमूव हो दैट इज डिहाइड्रेशन, जिसमें वाटर ऐड हो दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।